हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। देखो, लास्ट सेशन में हमने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, सर्टन इवेंट मतलब श्योर इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी होगा ही नहीं। अगर इसका मान लो ए इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसको सेट फॉर्म में इसका आउटपुट क्या आता था, फाई आता था। मतलब एन ऑफ ए क्या था इसका, जीरो था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ए जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है वो क्या आएगा आपका, देखो एन ऑफ एस कुछ भी हो, अगर ये ऊपर वाला जीरो हो जाए है ना, तो वो तो जीरो ही आएगा। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। सही है, कार्डिनल नंबर होता है इसका जीरो। सेट ऑफ फाइल लिख दो, ठीक है। इसके बाद हमारा श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब जो इवेंट हमेशा होगा ही होगा, राइट। जैसे मैंने डाई थ्रो किया और बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। अगर डाई थ्रो करेंगे तो जो नंबर आने वाला है 7 से छोटा आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आना ही आना है। मतलब इवेंट तो ऑकर होगी, लेस देन 7 स्कोर बोला है आपने, है ना। ये इसको सर्टन इवेंट भी बोलते थे, और हमने बोला था लेट ए इज द सर्टन इवेंट या श्योर इवेंट, वो होगी होगी। जैसे डाई का अगर एग्जाम्पल लेते थे, ठीक है, याद है। तो एन ऑफ ए आएगा आपका 6, सैंपल स्पेस की इक्वल ही था ये, है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने जाऊँ तो क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। सही है ना, हम ये रिविजन कर रहे हैं, 6 अपॉन 6 1। तो ऐसे ही हमने बोल दिया था श्योर इवेंट और या सर्टेन इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1। याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कभी होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है। श्योर इवेंट मतलब हमेशा होने वाला इवेंट, आएगा ही आएगा आउटपुट, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि उसमें सारे आउटपुट्स आएंगे जो सैंपल स्पेस में थे, ठीक है ना। इसके बाद एक थर्ड आता है एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट थर्ड है आपका, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जितने भी आउटपुट्स हैं आप उसको एक एक बार कंसिडर कर लो। जैसे अगर कॉइन टॉस करो, कॉइन टॉस डाई थ्रो करते, तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आप सिर्फ 1 को कंसीडर करूं तो 1 विल बी एन एलिमेंट्री इवेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई थ्रो कर रहे थे, 1 एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा, 2 भी अलग से एलिमेंट्री हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, है ना। अगर आप देखो, ये ऐसा कह सकते हो जो भी आउटपुट्स आने वाले हैं उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालने बैठे आप, ठीक है ना, तो 1 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, देखो ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ए एन ऑफ ए कितना है, 1 है ना, एक ही आउटपुट है, और एन ऑफ एस 6 आएगा। वैसे अगर मैंने बी बोला है गेटिंग 2 आउटपुट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, फिर से ये प्रोसेस चलेगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 1/6, राइट। एन ऑफ बी आउटपुट कितने है, 1 ही है। ऐसे आप सी लगा लो इसके लिए, ये डी, ये ई और ये एफ, है ना। सारे अगर आपने हर एक आउटपुट का प्रोबेबिलिटी देखा तो 1/6 1/6 1/6 आएगा, है ना। ऐसी ऐसा आउटपुट है ना जो आ ही सकता है, आ ही सकता है इन द सेंस कि कम से कम नहीं तो बोलेंगे, ठीक है चलो ऐसा नहीं बोल सकते हम। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक आउटपुट का सैंपल स्पेस में से एक एक आउटपुट निकाल रहा है, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। एन इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली 1 आउटपुट फ्रॉम सैंपल स्पेस एवरी टाइम। ऐसा मान लो ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ऐसा, ठीक है। तो बताओ मुझको सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम, प्रोबेबिलिटी का सम कर दो तो क्या आएगा। देखो ये तो आप ऐसा करते 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 एफ तक तो बना ही लोगे ना, वो भी 1/6 आएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस से। बताओ सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम करने जाऊं तो क्या आएगा, ऐसा करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तक चलेगा, 6 है टोटल, तो ये आया 1/6, फिर ये भी 1/6, फिर ये भी 1/6 और ये भी 1/6, चलते जाएगा ना सर, हाँ कि ना। देखो 6 एक बार लिख लेते हैं, 3 3 और 1 ये, ऐसा चलते जाएगा। सिर्फ समझने जैसे, याद भी कर लो तो काम हो जाएगा। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक ही आउटपुट का प्रोबेबिलिटी निकाल, एक ही आउटपुट उसका प्रोबेबिलिटी मतलब 1/n है, ठीक है। बताओ सम कितने आएगा, अगर मैं 1/6 कॉमन निकाल लूं तो अंदर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1,
9 के 6 हो गए, हाँ ये एक 1, ऐसा मान लो 6 टाइम्स 1 बाय 6 है, ऐसे मान सकते हो ना, या तो ऐसा सम कर लो, एक ही बात है, 6 6 कैंसिल आ गया 1, तो याद रखोगे यहाँ पे क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। इन शॉर्ट याद रखो एलिमेंट्री इवेंट यानी एक एक आउटपुट लेना, जैसे एक और एग्जांपल अगर माने तो अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आने वाले आपको, है ना, तो यो लेट ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया, बी इज इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली टेल्स, तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, क्योंकि वो एक ही आउटपुट ले रहा है, एक से ज्यादा नहीं ले रहा है। चलो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, 1/2 निकाला था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, 1/2। देखो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स, इसमें दो ही एलिमेंट्री इवेंट्स है क्योंकि दो आउटपुट्स है, ठीक है, सैंपल स्पेस में गिन लो कितने आउटपुट्स, उतने ही एलिमेंट्री इवेंट्स उस एक्सपेरिमेंट के आने वाले, जैसे डाई थ्रू किया तो 6 आउटपुट्स थे, तो 6 आएंगे, आए ना 6, ए बी सी डी एफ तक लिया था ना, और कॉइन टॉस करोगे तो दो आउटपुट्स है, तो दो एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे, एक है ए लिया हमने, एक बी लिया, एज ऑब्वियस देखो देखकर ही समझ में आ रहा है एलिमेंट्री इवेंट्स की सम कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ 1 इस केस में भी। अब आप कितने भी कॉइन टॉस कर लो, कितने भी डाई थ्रो कर लो, और या कोई एक्सपेरिमेंट ले लो, ठीक है, एलिमेंट्री यानी याद रखना है, एक पहले सैंपल स्पेस लिख लो, उसमें से एक एक एलिमेंट निकालो, उसको सेपरेटली इवेंट, उन सेपरेट इवेंट्स को आप एलिमेंट्री इवेंट बोलते हो, एन इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली 1 आउटपुट फ्रॉम सैंपल स्पेस, ऐसा माना, ठीक है, रफली तैयार रखो। बस अब इसी नॉलेज पे हमको एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करना है। चलो आ जाओ फिर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, याद है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, वही कॉम्प्लीमेंट, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आएगी, करके देखा था हमने, याद है 1 लिख देंगे आंसर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट नहीं जो कभी हैपन ही नहीं होगी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या था, 0, सीधी बात है, और उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, अभी बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, देखो 6 क्वेश्चंस होंगे आप, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, या 1 शॉर्ट आंसर टाइप के आप मान लो, 5 क्वेश्चन सॉरी 6 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। थर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, मतलब जो होगी होगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 1, अभी देखा था हम, और इसको कौन सा इवेंट बोले थे, श्योर इवेंट बोलो या सर्टन इवेंट बोलो, क्लियर। फोर्थ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अभी देखा हमने, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का अगर आप सम कर लो तो कितना आएगा, 1 आएगा, सीधी बात है, अगर समझ में आया होगा पिछला वाला टॉपिक तो आएगा, नहीं तो फिर से समझो मैंने क्या बोला है, फिर से वीडियो देखो। फिफ्थ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बताओ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, 1 या 1 से छोटी होती है, और लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखोगे फिर, 1, मतलब नेगेटिव मिल जाती है और 1 से ऊपर नहीं जाती है, 0 से 1 के बीच में ही आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये याद रखना। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, अब इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें जो आउटपुट्स आने वाले, आउटकम्स आने वाले, मतलब अगर उनकी पॉसिबिलिटी आने की सेम है, जैसे हम डाय थ्रो करते थे, सैंपल स्पेस लिखा था हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, तो देखो 1 आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है 2 के, हाँ कि ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो इनके आने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो सेम है हर एक आउटपुट, ऐसा हो सकता है क्या 6 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा, अगर मैं डाय थ्रो करूंगा तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, है ना, बट हमने क्या बोला है, हर एक आउटपुट आने की, हर एक आउटकम आने की, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई,
आने की पॉसिबिलिटी सबकी, जो भी आउटपुट्स आने वाले उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब इक्वल ही पॉसिबिलिटी आने की, राइट समझ रहे हो? ये किसी फैक्टर पे डिपेंड है क्या? नहीं, जब तक कि हम उस डाई में कुछ सेटिंग ना करें। जैसे शकुनी मामा, याद है ना, उनके उसमें डाई रहते थे, फेंकते थे, तो उनके पास सेटिंग थी, राइट। बट अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली वाला यूज कर रहे हैं, मतलब मैं डाई थ्रो करूं तो 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, इस हम कुछ नहीं बता सकते। आने की पॉसिबिलिटी, कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी सेम है 1 to 6 के बीच में, आप फेंकोगे तब भी पॉसिबिलिटी सेम है ना, तो चेंज नहीं हो रहा है कुछ, क्लियर। तो ऐसे आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो भी आउटकम्स है सारे के सारे इक्वली लाइकली है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब सारे के सारे आउटपुट्स आने की पॉसिबिलिटी सेम है, तो हम उन आउटकम्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बराबर है। और उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे एन एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे डाई थ्रो करूंगा तो ये एक्सपेरिमेंट जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इसमें जो आउटपुट्स आने वाले, आउटकम्स आने वाले सारे इक्वली लाइकली है। मैं कॉइन टॉस करूं तो हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वली लाइकली है, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है, सही है। बट अगर हमने ऐसा कहा कि मैं अभी बैठू गाड़ी के ऊपर, या पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं, देखो वो तो क्वेश्चन आया फर्स्ट है ही, ऐसा मैं मानू कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा एग्जाम में, वो तो डिपेंड करता ना, मैं पढ़ाई करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा तो होऊंगा, नहीं करूंगा तो नहीं होऊंगा, ये तो डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंट। एंड अ स्टूडेंट गेटिंग पास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या बोलोगे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि कोई स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम है क्या? नहीं, वो तो डिपेंड करता है आप किस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई करेगा तो उसके लिए पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इक्वली लाइकली है वो दोनों, है इक्वली लाइकली? नहीं है, डिपेंड करता है। तो ऐसे याद रखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो तो जो उसका आउटपुट्स आने वाले हैं वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर वो डिपेंड हो गया तो इक्वली लाइकली कैसे हो गए आउटकम्स? तो आप बोल रहे हो कि इसका ज्यादा आएगा इसका कम आएगा, ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं, सही है, क्लियर समझ में आ रहा है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं हम, देखो फिर से फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर ने कार अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फर्स्ट वाला, ठीक है, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मेरे को बताओ ये इसमें जो आउटपुट आने वाला है, एक तो स्टार्ट होगा एक तो नहीं होगा, ये दो आउटकम्स है, इक्वली लाइकली है क्या कि स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी सेम है और ना स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी भी सेम है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है वो गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है, जंग लग गया, इंजन खराब है, ठंडी बहुत पड़ी थी, ठंडी बंद ज्यादा पड़ती है तो इंजन शुरू नहीं होता ना जल्दी, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है इस केस में, गाड़ी शुरू होगी या नहीं होगी, दो जो आउटपुट्स आने वाले, शुरू होना आउटकम्स, शुरू होगी शुरू नहीं होगी, ये जो दो आउटकम्स है इक्वली लाइकली है नहीं, दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्लियर है। तो हम यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, कि वन इज नॉट, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, ये अगर समझ गया होगा तो हम ये मिटा देते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का, नो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाई? बिकॉज आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर ने अटेम्प्ट किया बास्केटबॉल को शूट करने के लिए, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट, मेरे को बताओ। फिर से ये एबिलिटी पे परफॉर्म बेस हो गया कि वो प्लेयर अगर अच्छा होगा, उसने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, जैसे मैंने एग्जाम का बताया एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो शूट कर पाएगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी होगी तो शूट नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो तो एबिलिटी ऑफ प्लेयर के ऊपर डिपेंड हो गए, तो जो आउटकम आने वाला है वो तो डिपेंडेंट हो गया ना, हमको क्या चाहिए,
एक आउटकम दूसरे आउटकम पे इंडिपेंडेंट हो, इक्वली लाइकली हो, आने की पॉसिबिलिटी सेम हो सारे आउटकम्स। यहाँ पर इस केस में सेकंड वाले क्वेश्चन में आउटकम्स कौन कौन से है, एक तो शूट करेगा एक तो नहीं करेगा, शूट करना नहीं करना है ना, जैसे शूट कॉमा नो शूट, ऐसे दो आउटपुट मान लिख लो आप समझ लो। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये डिपेंड करता है जो प्लेयर है उसके एबिलिटी पे, तो ये भी बोलेंगे नो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ प्लेयर। लिख लोगे आप, ये लिख लेना, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ प्लेयर, आप लिख लेना भी पूरा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, चलो बताओ थर्ड सोचो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आपने क्या किया है, एक ट्रायल परफॉर्म किया क्वेश्चन का आंसर देने का, वो क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स देना है, अगर आप ट्रू भी दे दोगे या तो फॉल्स दे दोगे, बराबर है। तो एक तो आपने ट्रू दिया, ट्रू रहा तो ट्रू सही आएगा गलत आएगा ये नहीं पूछा गया। ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो, आपको पता है नहीं पता बात की बात है, क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर इज राइट और रॉन्ग, आपने जो आंसर दिया है वो आप, आपकी पढ़ाई कितनी हुई उसके ऊपर नहीं शुरू है। तो एक तो राइट होगा एक तो रॉन्ग होगा, सही है, तो राइट आने की पॉसिबिलिटी भी सेम है, रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी भी सेम है, क्लियर है। सो दिस विल बी अ इक्वली लाइकली आउटकम, तो यहां से भी यस लिख देंगे बस। फोर्थ देखो, बॉबी बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय या गर्ल, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पॉसिबिलिटी उसकी सेम है ना, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। आउटकम्स आने की मतलब बेबी बर्थ बॉर्न होने की, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, जो आउटकम्स आने वाला है बॉय या गर्ल, देखो इसको आउटकम को हम ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते थे, बॉय कॉमा गर्ल, बॉय भी आ सकता है इक्वली लाइकली गर्ल के, इसलिए यस फोर्थ वाला भी आपका इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट है, समझ में आ गया सबको, फोर्थ में भी हम लिखेंगे यस। इन शॉर्ट इतना याद रखना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी एक्स्ट्रा आउटपुट उसका, किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटपुट एक्सटर्नल फैक्टर्स पे किसी इंसान के ऊपर उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड हो जाए तो उसको हम एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली नहीं कहेंगे। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि थर्ड में तो उसने पढ़ाई अगर क्यों होगी उस क्वेश्चन के बारे में, तो ट्रू और फॉल्स आंसर दे सकेगा, बराबर है, उसने वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उसके नॉलेज पे है ही नहीं, उसने पूछा है कि जो आंसर दिया है वो राइट या रॉन्ग क्या होगा क्या। जैसे मैं अगर आपने मुझको एक क्वेश्चन पूछा, मुझको अगर पता होगा मान लो तो मैं ट्रू दे दूंगा, मुझको नहीं पता होगा तो मैं फॉल्स दे दूंगा, बट उसने क्या पूछा है आंसर इज राइट और रॉन्ग, मेरा जो आंसर होगा वो राइट या आने की पॉसिबिलिटी और रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी, आपके पर्सपेक्टिव से पूछा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मेरे नॉलेज पे थोड़ी, राइट भी हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसको हमने एक्सपेरिमेंट माना है, ठीक है, क्लियर है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम में आप खेल रहे हो, कॉइन ही क्यों टॉस करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए किस टीम को बॉल मिलेगा बिगिनिंग में, क्योंकि जब आप अगर कॉइन टॉस करते हो, देखो समझो कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, इक्वली लाइकली है ना आउटपुट जो आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट का, तो जो समझो टीम ए है टीम बी है, सही है, टीम ए है टीम बी है, तो इसको भी मिल सकता है बॉल पहले लेने का मौका, या बी को भी मिल सकता है, तो दोनों को जो मौका मिलना है या हम बोलेंगे चांसेस ऑफ गेटिंग बॉल एट द बिगिनिंग इज 50-50%, राइट, इक्वली लाइकली, इसके भी इतने ही है इसके भी इतने ही है फॉर चांसेस, सही है, तो चांसेस सेम होने की वजह से हम बोलते हैं कॉइन को यूज करते हैं हम, क्यू फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, सही है, सिंपल है, बस इसमें यहाँ आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन बोलो या आंसर बोलो, जो भी लिखना है आंसर लिख दो, बिकॉज While tossing a coin, बराबर है, probability of getting head
और टेल, हेड और टेल इज सेम, या लिखो यहां पे दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट? देयरफॉर ईच टीम हैव सेम चांसेस ऑफ हिटिंग बॉल एट द बिगिनिंग. सही है? फिर दैट देयरफॉर बिकॉज लिखना शुरू कर दे, बस इतना ही लिख दो. सही है? क्लियर? अब आपको कुछ बच्चे हम बोलेंगे कि सर अगर अगर आपको इक्वली प्रोबेबिलिटी करनी थी तो आपने हेड कॉइन ही की टॉस किया, क्योंकि कॉइन के आउटपुट सिर्फ दो आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक तो टेल आ सकता है. एक टीम को आपने हेड असाइन कर दिया, एक टीम को टेल असाइन कर दिया, है ना? तो अगर हेड आया तो पहली टीम ये प्ले करेगी पहले, टेल्स आया तो दूसरी वाली टीम अगर प्ले करेगी, है ना? अगर हमने डाई क्यों नहीं फेंका, बच्चे पूछ रहे कि डाई क्यों नहीं फेंका, अरे डाई में आउटपुट छह आने वाले, अगर छह टीमें होंगी, छह टीमों को आपने 1 2 3 ऐसे नंबर असाइन कर दिए, फिर डाई थ्रो किया, चलो जिसका नंबर आएगा वो पहला बैटिंग करेगा. जैसे हम खेलते थे ना, जो पहले जिसका नंबर आया डाई थ्रो करने के बाद में जिसका नंबर आया वो पहले बैटिंग करेगा, है ना? अगर छह टीमें खेलने वाली होंगी, अभी हमारे हम जो फुटबॉल की बात कर रहे हैं इसमें छह टीम एक साथ में खेल रही है, नहीं, जब खेल रही है ग्राउंड पे तो दो ही है, तो हमको ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ दो आउटपुट्स आ सके पॉसिबल, और वो भी उनकी प्रोबेबिलिटी चांसेस या हम बोलेंगे उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली हो, इसलिए हेड हमने कॉइन टॉस किया. अब कॉइन यानी हमारा खेलने वाला कॉइन नहीं बोल रहे, कॉइन यानी दूसरा भी होगा ना, उसमें नाम लिख देंगे इंडिया और पाकिस्तान एक साइड से, हेड टेल होगा ऐसे जरूर थोड़ी, वैसा भी लिख सकते हो आप, बट इट शुड बी क्या बोलेंगे हम कि प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि उसको आपने कुछ उसमें कुछ सेटिंग की है. एक कॉइन है, उसके नीचे वाला अगर मैंने हिस्सा भारी कर दिया, बराबर है, भारी कर दिया तो उसमें सेटिंग होगी ना, एक जो सरफेस होगा ऊपर वाला भारी के, मतलब भारी के ऊपर वाला, जैसे पाकिस्तान इधर की साइड था, उधर से अगर मैंने उसको हेवी कर दिया और कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि जो भारी वाला हिस्सा है वो नीचे जल्दी गिरेगा, और जो ऊपर मान लो इंडिया है तो इंडिया को पॉसिबिलिटी ज्यादा मिल जाएंगी बैटिंग करने की, है ना? अगर मैंने अगर ऐसा कॉइन बना लिया तो, बराबर है? इसलिए कहते हैं कि जो प्रॉपर है वो इट शुड बी फेयर. फेयर का मतलब क्या है यहाँ पर? फेयर वे क्यों बोला? फेयर वे इज्जत से, कोई बेईमानी ना करते हुए, कोई चीटिंग ना करते हुए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन शुरू है ना? फेयर वे होना चाहिए, इसलिए जो कॉइन टॉस करते हैं वो फेयर कॉइन होता है, उसमें आपने कोई सेटिंग नहीं की है, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? तो चलो ए होगा क्या बताओ, सॉल्यूशन पे आ रहे. देखो अगर मैं इसका जब भी फ्रैक्शन दिया जाए तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 2/3 है इसको मैं, सीधी बात है डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 पॉइंट आने वाला है, हाँ कि ना? चाहो तो करके देखते, 0 से दोगे ना आप पहले तो फिर डेसिमल लोगे, फिर 6 आएगा, 6 बार आने वाला है ना? 6 बार आएगा तो जो आंसर आने वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ए ही बोल देते हैं, इसको ए इवेंट लेंगे. ये कितना है 2/3, मतलब ये कितना है 0.6, ये 0 और 1 के बीच में ही है, हाँ कि ना? तो ये इवेंट जो है जिसका प्रोबेबिलिटी दी है आपको, ये पॉसिबल है क्या? है, दिस इज पॉसिबल, यस लिख देंगे. बी निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया, नो, बराबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती ये पूछा है. मैं तो पूरा आंसर लिख के दिखा रहा हूं, नॉट, नो, नो, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है?
आप तो सिर्फ इनमें से जो जो नहीं है बस वही बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, जो जो नहीं है, बी नहीं है। मैं तो ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे आंसर मत लिख देना बोर्ड में, लिख दोगे इज ओनली बीज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बाकी के तो है, ये देखो ये है 15%, 15 मतलब 15/100, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.15, इट इज बिटवीन 0 to 1, है ना। तो दिस इज पॉसिबल, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस प्रोबेबिलिटी होता है वो 0.7, उसने खुद ही करके दिया है डी में। यस पॉसिबल है ना, दिस विल बी पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सही है, क्लियर है। तो यहां लिख लेंगे ओनली बी ऑप्शन बी वन दैट इज -1.75 विल नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, या कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्लियर है। बस एक लाइन में आपको आंसर लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये, इतना सारा नहीं लिखना है, इसलिए लिखेंगे ओनली माइनस बी भी लिखना, -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आंसर आपका फाइनल हो जाए।